सकते हैं। रविता शास्त्री मैनपुरी चैनल के माध्यम से वहाँ का भी लाइव चलेगा जो दिल्ली में है, तो सभी से निवेदन है कि लाइव के माध्यम से वहाँ का कथा जरूर सुने। यहाँ पर बड़ा सम्मान मिला, यहाँ पर भी लाइव चला है और हर जगह चलता है, यहाँ पे बड़ा सम्मान मिला है हमारे परम आदरणीय सम्मानीय श्री सत्यपाल यादव जो हमारे इस स्कूल के प्रबंधक जी हैं, इनके द्वारा ये कथा का आयोजन यहाँ पर रखा गया। आज कथा का विश्राम दिवस कल भंडारा है। सभी से निवेदन है जिस प्रकार से आप सभी ने आज दिन तक सहयोग दिया है, ऐसे ही कल भंडारे में भी देना है, क्योंकि भंडारे का कार्य जो होता है बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। और यहाँ पर और ये इसी बीच में दिव्यांश जो हमारे अत्तंस भैया का पुत्र है, इनके द्वारा भी सम्मान हुआ है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा सम्मान मिला, पिछली बार भी आए थे 2 साल पहले, तब भी मुझे यहाँ बड़ा सम्मान मिला था और बड़ा अच्छा लगा था। और आज भी मुझे बड़ा अच्छा यहाँ पर लगा, आप लोग इतना काम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने कथा का स्मरण किया है। मैं सभी से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहूंगी कि हम आए या कोई और आए, जहाँ जहाँ कथा हो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जरूर जाइएगा, क्योंकि भगवान का नाम जितना ले लो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस लोक में भी साथ भगवान का मिलेगा, पर लोक में भी आपको भगवान का साथ मिलेगा। और बड़ा अच्छा यहाँ पर सम्मान बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं का, बहनों का, सभी का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। उस सम्मान को हर जगह जाकर के कहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी कि आज यहां से चले जाएंगे अपने अपने द्वार, भूलेंगे भी ना भूलेंगे क्या क्षेत्र के
रहे हैं ये प्रदीप भैया खोजावास है, शिमला पर संगति कर रहे अवधेश भैया खोजावास है, और जो घड़ा पर संगति कर रहे हैं ये ब्रजनंदन भैया जो बैंड पुलिस है, और सुबह के टाइम जो कथा कर रहे हैं वीरपाल भैया जो एटा से, और हमारे पास में बैठे उमेश भैया जी, और जो यहाँ का डेली टेलीकास्ट कर रहे थे लाइव के माध्यम से श्रोताओं को कथा श्रवण करा रहे थे, जो लाइव चला रहे हैं अवधेश यादव बैंड है, जो कैमरा चला रहे अंशुल ये भी बैंड से, वैसे तो फरुखाबाद के रहने वाले हैं मगर बैंड रहते हैं मेरे घर पर ही रहते हैं, और मैं रविता यादव बैंड से आज सभी से निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपकी बहन से आपकी बेटी से कोई गलतियां बनी है तो छोटी बहन बेटी समझ के माफ करना, क्योंकि बड़े बड़े दोनों से गलतियां हो जाती हैं। कहना चाहूंगी
सभी भक्त।